हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो NBCC इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। डिप्लोमा बीटेक दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस्ड दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 93 है, विदाउट गेट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आप लोगों को पैकेज 16 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि NBCC इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक नवरत्न PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर दे डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फ्रेशर्स एक्सपीरियंस्ड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं फ्रेशर्स वालों के लिए, जिसमें फर्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स तक रखा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपके डिप्लोमा पे मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स तक रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए और उसके साथ अगर डिप्लोमा पे मिनिमम 60% मार्क्स है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही पोस्ट में अप्लाई करने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स वाले इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बेसिक पे 27,270 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल सीटीसी 10 लाख पर एनम मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग डिप्लोमा करने के बाद BBTech किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट विदाउट डिप्लोमा आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट डे मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ के लिए, जिसके लिए भी फ्रेशर्स एलिजिबल है, किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। इसमें आप लोगों का पे स्केल U1 ग्रेड के हिसाब से यानी कि 40,000 से लेके 1,40,000 रहेगी, जिसमें बेसिक पे 40,000 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल सीटीसी 12 लाख पर एनम मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स तो रखा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग LLB में से बैचलर्स या तो मास्टर्स किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है, सेम सीटीसी आप लोगों को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTech किए और उसके साथ अगर मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तो रखा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTech किए और उसके साथ अगर मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, पे स्केल E2 ग्रेड के हिसाब से यानी कि 50,000 से लेके 1,60,000 रहेगी, जिसमें बेसिक पे 50,000 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल सीटीसी 16 लाख पर एनम मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स तक रखा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTech किए हो और उसके साथ अगर BBTech में मिनिमम 60% मार्क्स है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल के लिए, सेम सीटीसी आप लोगों को मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTech की और उसके साथ अगर मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डेप्यूटी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल इलेक्ट्रिकल के लिए, सेम सीटीसी आप लोगों को मिल जाएगी, मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स तो रहा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTech की और उसके साथ अगर मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डेप्यूटी मैनेजर क्वालिटी सर्वेयर सिविल के लिए, अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTech की और उसके साथ अगर मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डेप्यूटी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए, अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन करने के बाद
MBA या तो मैनेजमेंट में से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ साथ मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। अप्लाई करने के लिए आप लोग को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 28 फरवरी 2024 से, और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 27 मार्च 2024। एप्लीकेशन फी की बात करें तो डेप्यूटी मैनेजर सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रहा गया है, और मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रहा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। सिमिलरली एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी पे नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में जेई का जो पोस्ट है उसमें सिर्फ आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर आप लोग सीवीटी में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। बट E1, E2 और E3 ग्रेड का जो पोस्ट है उसमें फर्स्ट होगा आप लोग का सीवीटी, और अगर आप लोग सीवीटी में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू। मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ के लिए सिलेक्शन होने के बाद इनिशियली 1 ईयर के लिए आप लोग को ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा, और 1 साल ट्रेनिंग पीरियड कम्प्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। बेसिक पे के साथ साथ आप लोग को जो भी अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा वो यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन आप लोग को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। उसके अलावा सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोग का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।